हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज को हम लोग हल करने जा रहे हैं, जो कि 2009 में पूछा गया है और 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है, यानी कि 4 बार पूछा गया है। ठीक, तो 15-16 में देखिए लगातार आया है, 20 में आया है इस वर्ष और सेट नंबर 1 में आया है वाई ए, और जब 15-16 में लगातार आया तो 20 के बाद 21 में भी ये पूरी संभावना है फिर आने की। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज, आप इसको ज़रूर हल करिए। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा समझिए कैसे इसका क्या मीनिंग है, क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसका अर्थ हम बता दें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझने में दिक्कत ना हो। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली राइजिंग माने होता है सुबह का उठना, लीड्स ले जाता है टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ। सुबह का उठना स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। फिर कह रहा है कि द मैन हु राइजेज लेट, वह आदमी जो राइजेज लेट माने जो देर से उठता है, राइजेज माने होता है निकलना, निकलने का मतलब उठना होता है, उठना भी होता है। कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, कैन हैव लिटिल रेस्ट माने उसके पास थोड़ा सा ही आराम मिलता है इन द कोर्स ऑफ द डे, दिन के कोर्स मतलब दौरान, पाठ्यक्रम नहीं हुआ, उस दिन के दौरान उसके पास थोड़ा ही समय आराम मिलेगा। एनीवन कोई भी व्यक्ति हु लाइज इन बेड लेट, जो बिस्तर पर लेट तक लाइज में लेटा रहता है, कॉम्पेल्ड टू वर्क इट, उसे को काम करने के लिए कॉम्पेल्ड माने मजबूर होता है, विवश होता है, टिल लेट आवर इन द इवनिंग, शाम को भी देर समय तक और मिस टाइम, देर तक के समय तक काम करना पड़ता है। जैसे सुबह लेट उठोगे तो रात को देर तक काम करना पड़ेगा ना, जितना काम करना, सुबह जल्दी उठ गए तो आदमी अपना काम जल्दी निपटा लेता है, नहीं तो एक बार देर हुआ तो हर काम में देर होता जाता है। क्लियर, ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, जो देर उठता है नुकसान क्या है, सब जानते रहो, सुबह उठने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है लेट उठने की, ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा भी। क्लियर, देखिए ही हैज़ टू गो विदाउट द एक्सरसाइज, उसे बिना एक्सरसाइज के रहना पड़ सकता है, मतलब जो देर उठेगा एक्सरसाइज का टाइम निकल जाएगा, अगर एक्सरसाइज करने लगे तो और काम कब करेगा, तो वही चीज़ें, तो उसे बिना एक्सरसाइज के रहना पड़ सकता है। विच इज़ सो नेसेसरी फॉर द हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए सो नेसेसरी माने बहुत आवश्यक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, उसका काम उतना अच्छा परिणाम नहीं उत्पन्न करेगा एज दैट ऑफ एन अर्ली राइजर, जितना कि जल्दी उठने वाले का। क्लियर, द रीजन फॉर दिस, इसके लिए कारण इज दैट, यह है कि द क्वाइट आवर ऑफ द मिड नाइट, आधी रात का शांत समय, आवर मीन्स टाइम, ठीक है, क्वाइट मीन्स शांत, इज नॉट एज रिफ्रेशिंग, उतना तरोताजा करने वाला नहीं होता है एज दैट ऑफ मॉर्निंग, जितना कि सुबह का समय, सुबह उठोगे तो तरोताज़ा जो ताज़ी हवा मिलती है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कई महान विचारक लोग से दैट कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट, वे सर्वोत्तम ढंग से लिख सकते हैं, ओनली वेन, केवल तब जब दे बर्न मिड नाइट आयल, वे आधी रात को तेल जलाते हैं। तो ये क्या आपका एक मुहावरा है, आधी रात का तेल जलाना मतलब होता है रात को देर तक पढ़ना या काम करना। क्लियर, ठीक, आधी रात तक तेल जलाओगे मतलब क्या, लालटेन जलाओ, दिए जलाओ तो आप पढ़ो, ठीक ना, उसका सेंस वहाँ से है। क्लियर, तो मतलब कि इसका मतलब व्हेन दे बर्न मिड नाइट ऑयल, जब वे आधी रात का तेल जलाते हैं अर्थात देर तक काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, मतलब क्या होता है, राइटर हैं जो लिखेंगे, लिखने का काम करेंगे, पढ़ने वाले, ठीक है, वर्क आर स्टडी टिल लेट, ठीक है, इसका मीनिंग होगा। तो आप तिरछा छपा शब्द है, इसका मीनिंग पूछेंगे इसलिए जानते रहो। क्लियर, एट इट इज ट्रू टू से, फिर भी यह कहना सत्य है कि फ्यू मैन माने कुछ लोग हैव ग्रेट, जो महान एंड क्लियर ब्रेन, अस्पष्ट दिमाग, जो मतलब महान रहे हैं उनका दिमाग एकदम स्पष्ट ढंग से काम कर रहा हो एट मिड नाइट, आधी रात को भी। कहने का मतलब यह कह रहे हैं कि यह सत्य है कि कुछ ही लोग, फ्यू मतलब कुछ यानी बहुत कम, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, फ्यू रहेगा तो ना के बराबर कुछ, क्लियर, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे रहे हैं जिनका जो है आधी रात को जो है मतलब कि दिमाग जो है स्पष्ट और अच्छा काम करना, मतलब कि जैसे देर तक काम करना, आधी रात मतलब देर तक काम करने से उनका दिमाग स्पष्ट रूप से काम करता हो, नहीं तो देर तक काम करने से आदमी का दिमाग बाद में कैपेसिटी कम हो जाती ना समझने की, काम करने की, वही।
व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, जब रात क्यों काम करता है आधी रात को, क्योंकि जब बॉडी को जो है आराम की आवश्यकता होती है, ठीक है, एंड स्लीप और नींद की जरूरत होती है, क्लियर। उस समय बहुत कम लोगों का ही दिमाग अच्छे से काम करता है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, जो उस समय काम करते हैं, रुइन देयर हेल्थ, वे अपने स्वास्थ्य को भी रुइन माने नष्ट कर लेते हैं, ठीक है। रात को देर तक काम करोगे, रोज जागोगे ज़्यादा, तो स्वास्थ्य भी आपका कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बैड हेल्थ इन लॉन्ग रन, बुरा स्वास्थ्य लंबे समय तक चलते रहने में हैज ए बैड इफेक्ट, एक बुरा प्रभाव पड़ता है ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, उनके काम के गुणवत्ता पर। बुरे लंबे समय तक बुरा स्वास्थ्य रहेगा अगर, तो काम करने की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप कुछ समझ में आ गया होगा, पैसे कम समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अभी इस पर बनने वाले, तो क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर देते हैं, देखते हैं। तो आप लोग जो मतलब कि क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उसका आंसर लिख लीजिए कॉपी पेन लेके, बाकी जो है पूरा समझ में आ जाएगा। गिव ए समरी ऑफ द एबव पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने शब्दों में उपर्युक्त पैसेज का सारांश दीजिए। देखिए आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, पैसेज जो है समरी ऑफ द पैसेज, ये आपका इस वर्ष नहीं आएगा 2021 के पेपर में। आप 20 का पेपर उठा के देख लीजिए, आया नहीं है 20 में, अर्ली राइजिंग वाला फिर आया था, मैं उसका वीडियो अपलोड भी किया हूँ बना के, उसमें भी नहीं आया, क्लियर। तो कोई भी सेट देखिए 20 में नहीं आया, तो इस वर्ष आप पैसेज के लिए परेशान ना हो। हाँ, अगर आप जानना चाहो कैसे, तो पीछे बताया गया वीडियो में, और फिर बता दिया है कि पैसेज में समरी ऑफ द पैसेज लिखा कैसे जाता है, 1/3 भाग जो है यानी 33% जितना आया है उसका समरी में लिख देना है, मेन मेन पॉइंट लिखना है, शुरू से बीच से लास्ट से जो बातें कहेंगे मेन मेन पॉइंट, आप सेंट्रल आइडिया की तरह उसका केंद्रीय भाव जैसे सारांश से 1/3 भाग में थोड़े में बताना होता है, जो कहानी इसमें बताया गया कि सुबह उठने से बड़ा फ़ायदा होता है, दिमाग सही रहता है, अच्छा काम करता है, रात को देर तक जागने से हम देर से पहले काम कर देते हैं और देर से उठने से बड़े नुकसान होते हैं, ठीक है। तो बस हो गया आपका समरी, क्लियर। ऐसे लिखना है लेकिन आपको अपने भाषा में लिखना, लेकिन आएगा नहीं इतना जान लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। गिव सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज, बिल्कुल आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, मतलब उपर्युक्त पद्यांश के लिए जो है टाइटल जरूर पूछेगा। तो ये समरी छोड़ के सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, सुटेबल टाइटल बताइए क्या है। तो देखिए सुटेबल टाइटल लिखने के लिए आपको बता दे रहे हैं, लिखा कैसे जाएगा पीछे भी बताए थे। सुटेबल टाइटल लिखने का एक तरीका, आप टाइटल में कभी आप वर्ब का यूज ना करो, वो टाइटल बेस्ट होती है। और टाइटल ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्दों तक लिखना अच्छा माना जाता है, एक शब्द में भी हो सकता है, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द। नाउन का प्रयोग करिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए, मतलब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी आप टाइटल में मत करो, क्लियर। ये आपका टाइटल है, और टाइटल अक्सर मतलब अगर आपको ना समझ में आए कि क्या टाइटल होगी, तो कोई भी पैसेज दिया रहेगा आपको पहली लाइन से ही टाइटल का हिंट आपको मिल जाएगा। जब ना समझ में आए तो पहली लाइन में ही देखिए, कोई भी शब्द जिसके बारे में बताया गया तो नाउन शुरुआत में दे दिया जाएगा, उसी के बारे में आगे डिटेल किया जाएगा, तो वही टाइटल हो जाएगा, जिसके बारे में बात किया जाएगा वही टाइटल होगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत आसान टाइटल अर्ली राइजिंग शुरुआत में आपको मिल जा रहा है, सबसे सरल टाइटल, क्लियर। तो सुबह उठना, यही तो इसका टाइटल है, क्लियर। तो द सुटेबल टाइटल टू द पैसेज अर्ली राइजिंग, आप इतना लिख के छुट्टी कर दिए, आपका टाइटल सही है। हाँ, 2-3 टाइटल और हम 1-2 बता दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अर्ली राइजिंग नहीं बना पा रहे हो तो आप इसी में से कर लेना, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख देना, डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग। दूसरी टाइटल इसकी क्या हो जाएगी, डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग, मतलब देर से उठने के डिसएडवांटेज माने नुकसान हो जाएगा, क्लियर। डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग कह सकते हो, क्लियर, या फिर एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग भी कह सकते हो, जल्दी उठने के फायदे, क्लियर। ये सभी टाइटल है, आपके सोच के ऊपर है, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग सुबह उठने के फायदे, या डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग देर से उठने के नुकसान, बताइए तक के हुआ ना। अब उसके बाद जो है, अब ठीक, अब एक इसकी टाइटल और भी बना सकते हो, ड्राबैक्स। ड्राबैक्स माने होते हैं कमियां या दोष ऑफ राइजिंग एंड स्लीपिंग लेट, ठीक है, देर से उठना और सोने की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ राइजिंग एंड स्लीपिंग लेट, इस तरह से टाइटल बनाया जाता है। कहने में जो भी टाइटल दो उसी पैराग्राफ पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है ना, जैसे कोई पाठ रहा था तो उसका कुछ नाम रहा था, उसी तरह से पैराग्राफ है इसका कुछ नाम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नाम वही बिटेर होगा जो जिसके बारे में इसमें ज़्यादा बात कही गई, जो ज़्यादा से ज़्यादा बातें फैक्चुअल हो, क्लियर। तो इसलिए सबसे सरल टाइटल
अर्ली राइजिंग आपको इसी में से मिल जाए, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग या डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ राइजिंग एंड स्लीपिंग लेट, क्लियर, ये भी कर सकते हो। ठीक, आई होप अब आपको टाइटल लिखने में दिक्कत नहीं होगी ना, इस तरह से लिख ले जाओगे बिल्कुल। तो सबसे सही, सब भूल जाओ टाइटल, तो अर्ली राइजिंग इसी में से मिलेगा, आप वही कर लेना, क्लियर, द सुटेबल टाइटल, ठीक है, टू द गिवन पैसेज इज करके उसके बाद अर्ली राइजिंग लिख देना, क्लियर। सुबह उठना या सुबह उठने के फायदे, तो एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक, देर से उठने के नुकसान भी बताया गया है, इसलिए देर से एडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग, ठीक है, उठने और जो है देर से उठने और सोने और जागने के कमियाँ बताया गया है, तो उसको भी ड्रॉबैक्स ऑफ राइजिंग एंड स्लीपिंग लेट। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर, जल्दी उठना क्यों अधिक अच्छा होता है, तो पैसेज पर आधारित आपको बात बताना है, जल्दी उठना क्यों अच्छा होता है। तो देखिए इसका आंसर पहले आप सबसे पहले लिख दीजिए अर्ली राइजिंग इज बेटर, पहले आप अर्ली राइजिंग सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, राइजिंग ना सोचो वर्ब है जो टाइटल में दिया है सुटेबल टाइप, वो जीरंड है, जीरंड नाउन का काम करता है, इसलिए आप टाइटल में जीरंड का प्रयोग कर सकते हो, क्लियर, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मत करो बस, क्लियर। तो अर्ली राइजिंग इज बेटर पहले प्रश्न से लिखना, क्यों अधिक अच्छा होता, तो आप पहले कहोगे अर्ली राइजिंग इज बेटर, क्योंकि अपने भाषा में लिखना है अधिक अच्छा होता, हाँ, उसके बाद बिल्कुल आप बीकाज कर दो, क्या कर दोगे, बीकाज, उसके बाद जो है आपको करना क्या है, इट लीड्स कर देना, क्या कर देना, इट लीड्स, यह ले जाती है, देखिए शुरुआत में नहीं दिया गया है अर्ली राइजिंग लीड्स, तो आप अर्ली राइजिंग लिख दिए तो उसके लिए शुरुआत से ही आपको इसका आंसर मिलेगा, अर्ली राइजिंग की जगह लिख देना इट, उसके बाद आपको लीड्स से जोड़ना है, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और हेल्थ के पहले थोड़ा सा आप साउंड हेल्थ कर दो और बेटर आपका अपने भाषा में हो जाएगा, इट लीड्स टू साउंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ ले जाती है, क्लियर, बस यही आपका बेटर आंसर होगा, इफेक्टिव आंसर होगा, ठीक है। तो अर्ली राइजिंग इज बेटर बिकॉज इट लीड्स टू साउंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, साउंड हेल्थ माने होता अच्छा स्वास्थ्य, गुड न लिख के साउंड लिखना अच्छा माना जाता है, अच्छे स्वास्थ्य की अंग्रेजी, क्लियर, ठीक, तो आपका कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज राइज, हाँ सॉरी, हाउ डज वर्किंग लेट इन द नाइट, रात में देर तक काम करना कैसे हार्म आवर बॉडी, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, रात में देर तक काम करना कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो आप पहले प्रश्न में से लिख लो वर्किंग लेट इन द नाइट, ठीक है, उसके बाद हार्म में आप यस जोड़ देना, क्योंकि डज हटेगा तो यस हो जाएगा, हार्म आवर बॉडी, रात में देर तक काम करना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो हाउ माने कैसे, एज माने जैसे, या एज माने क्योंकि भी होता है, जब हाउ रहे तो एज क्योंकि अंग्रेजी लिखना अच्छा माना जाता है, क्लियर, और नहीं तो बिकॉज, वाई रहे तो बिकॉज से लिखना अच्छा माना जाता है, गलत आपका बिकॉज भी नहीं है, लेकिन एज लगा दो, एज माने क्योंकि या जैसा कि, क्लियर, ठीक, आप इसमें एज लगा दो, बॉडी के बाद एज लगा दो, एज माने क्योंकि या जैसा कि, दोनों होता है, हाउस वाले को एज से हम क्योंकि अंग्रेजी लिखना बेटर माने, क्योंकि बिकॉज सिंस एज तीन होता है क्योंकि अंग्रेजी ना, इसलिए तो एज, ठीक है, इट, उसके बाद एज इट रुइंस, ऐसे कर दो, देर से उठने के नुकसान बताना है आपको, बता दो कि नुकसान होता है क्योंकि यह रुइंस माने नष्ट कर देता है आवर हेल्थ, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, नष्ट, अब पढ़ोगे तो आपको ये सब मिलेगा आपको, ठीक है ना, बिकॉज इट रुइंस आवर हेल्थ, ठीक है, क्योंकि जो है यह हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करता है, इतना लिख लिया ना, उसके बाद हेल्थ, बिकॉज इट रुइंस आवर हेल्थ, इतना लिख दो, ठीक, उसके बाद आपको फुल स्टॉप करके लिख दो, सेकंडली, दूसरी बात, एक बात और बताओ क्या नुकसान है, देखिए तो नुकसान है नहीं, सेकंडली कह दो, सेकंड लिखिए एलवाई, सेकंडली वी, ठीक है, लैक द मॉर्निंग वॉक, लैक कह दो या लोजिस कह दो, हम मतलब हमारे पास मॉर्निंग वॉक की कमी हो जाती है, या लोजिस हम खो देते हैं, वी लोजिस या वी लैक द मॉर्निंग वॉक, लोजिस नहीं करो, सॉरी लोज करो, क्योंकि वी के साथ या सीस नहीं जुड़ेगा, क्लियर, वी लोज द मॉर्निंग वॉक या वी लैक द मॉर्निंग वॉक, हम मॉर्निंग वॉक की हमारे पास कमी होती है, समय ही नहीं मिलेगा, क्लियर, उसको खो देते हैं, ठीक है, या वी हैव नो टाइम फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्लियर, वी डू नॉट गेट टाइम फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बता सकते हो, ठीक, तो उसके बाद जो है इसेंशियली गुड फॉर हेल्थ, थोड़ा उससे जोड़ लो,
इसेंशियली गुड फॉर हेल्थ, जो मतलब कि जो अच्छे स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य के लिए जो है इसेंशियली, ESSENTIALY, इसेंशियली माने आवश्यक रूप से, इसेंशियली गुड फॉर हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए इसेंशियली, इन्हें लिख लो तो व्हिच इज नेसेसरी कर दो, ठीक है, या व्हिच इज गुड फॉर हेल्थ ऐसे कर दो, इसेंशियली ना लिखना चाहो तो व्हिच इज गुड फॉर हेल्थ कर दो, या इसेंशियली गुड फॉर हेल्थ, क्लियर, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या आवश्यक रूप से स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्लियर, अच्छे ढंग से आवश्यक है, ठीक, ये चीज हो गया। और थोड़ा और बता दो, मोर ओवर, मोर ओवर माना होता है इसके अतिरिक्त, नया सेंटेंस बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मोर ओवर इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट इफोर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट इफोर्ट्स, बेस्ट इफोर्ट्स EWFORTS कामा, वी डू नॉट गेट इंटेंडेड सक्सेस, इंटेंडेड मतलब चाही हुई, अपनी इरादा की गई, INTENDED, वी डू नॉट गेट इंटेंडेड सक्सेस, मतलब हम अपने इरादा से जो चाहते हैं वो सफलता नहीं पाते हैं, क्लियर, इंटेंडेड INTENDED, इन लिखो, टेन लिखो, DED जोड़ दो, इंटेंडेड सक्सेस माने इरादा की गई यानी चाही हुई, मन मुताबिक सफलता जिसको कहते हो नहीं पाते हैं, बस इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज पोर्शन, इटैलिसाइज पोर्शन की आप व्याख्या करो, ठीक है, तो अब देखिए व्याख्या करो आप, इटैलिसाइज माने क्या होता है, तिरछा छपा शब्द, इटैलिसाइज माने तो तिरछा छपा हुआ, इटैलिक उसको कहते हैं, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर सीखते हो उसमें इटैलिक रहता है, ठीक है, तो मतलब तिरछा आ जाते हैं, कर्सिव राइटिंग आ जाती है, ठीक है, तो वही चीज़, इटैलिसाइज पोर्शन माने तिरछे छपे शब्द वाले भागों की आप व्याख्या करो, तो इसमें दो जगह आपको तिरछा छपा शब्द मिलेगा, तो पहला तो आपको मिल जाएगा बर्न द मिडनाइट आयल, देखिए तिरछा छपा है ना, दे बर्न द मिडनाइट आयल, तो ये आपका इटैलिसाइज पोर्शन है, ठीक है, तो आप लिख लो, अरे कहाँ है, तो आप देखिए नीचे से देखिए, बर्न द मिडनाइट आयल अभी बताए नहीं थे, तो पहले आप लिख देना कि बर्न द डैश डैश मिडनाइट आयल, ऐसे पूरा छोटा है पूरा लिख सकते हो, बर्न द मिडनाइट आयल, इतना लिख के दे बर्न भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बर्न से ही आ जाता है, कभी कभी दे तक भी दे सकता है, क्लियर, ठीक, दे बर्न द मिडनाइट आयल लिख लिया, ठीक है, किसी किसी सेट में केवल बर्न द मिडनाइट आयल आता है, किसी किसी में दे सहित तिरछा कर दिया है, तो उससे नहीं मतलब है। तो उसका लिखो मींस बर्न द मिड आयल या दे बर्न द मिडनाइट आयल मींस, या डायरेक्ट उतना लिखे एक्सप्लेन हेडिंग डाल दो, एक्सप्लेनेशन, ठीक ना, उसके बाद मींस लिखो कि देख मतलब देख, अब देख इसके लिए आया, प्रोनाउन का लगा दो कि सेवरल ग्रेट थिंकर्स दे से दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न मिडनाइट लाइट, तो द मेन कर दो, द मेन देख मतलब द मेन कर दो, प्रोनाउन लोगों की बात की जरा, ठीक है, द मैन हु वर्क आर स्टडी, द मैन हु वर्क आर स्टडी लेट इन द नाइट, हो गया इसकी व्याख्या हो गया, द मैन हु वर्क एंड स्टडी लेट इन द नाइट, ऐसे लोग जो, ऐसे व्यक्ति जो रात को देर तक काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उन्हीं को कहा गया है आधी रात को तेल जलाना, क्लियर, द मैन हु वर्क आर स्टडी लेट इन द नाइट, अगर दे अंडरलाइन नहीं किया जाए तो आप ऐसे भी टू वर्क आर स्टडी लेट इन द नाइट, हो गया इसकी व्याख्या, क्लियर, दे है तो उसके लिए प्रोनाउन नाउन क्लियर कर दो। अब देखिए इसमें एक और तिरछा छपा शब्द है ना, फ्यू मैन हैव ए ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिड नाइट, तो दोनों आ सकता है, कभी कभी एक ही आ जाता है, एक ही शब्द मिड नाइट वाला ही आ जाता है, तो आप दोनों आएगा दोनों लिख देना, नहीं तो एक एक छपा रहेगा एक लिखना, क्लियर, तो चलिए दोनों हम बताने की बता दे रहे हैं, फ्यू मैन तो आप इसको डैश डैश कर सकते हो, फ्यू मैन डैश डैश करके मिडनाइट तक लिख दो या पूरा लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, उसके बाद मींस लिख दो, मींस लिख दो या तो फिर आप एक्सप्लेन हेडिंग डालते हो तब लिखो, बात एक ही हुआ, क्लियर, पहले आप एक्सप्लेन हेडिंग डाल सकते हो या डायरेक्ट बता सकते हो, तो हाँ फ्यू मैन से लेके मिडनाइट तक लिख के मींस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ
तो आपको करना क्या है इसका, हाँ इसका व्याख्या करना, मीन्स करके लिखो ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, केवल कुछ लोग, ए फ्यू खाली बस मतलब हो गया कुछ, केवल कुछ ही, ओनली ए फ्यू कैन वर्क, ठीक है, कैन वर्क आर स्टडी वेल इन द नाइट, बस वेल इन द नाइट, बस ये इतना इसका मतलब है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले क्या फ्यू, ठीक है, कह रहे हैं कि फ्यू मेन हैव ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कुछ यानी बहुत कम ही लोगों को आधी रात को दिमाग जो है स्पष्ट रहता है, कहने का मतलब केवल कुछ ही लोग रात को काम या अध्ययन कर सकते हैं, लेखक के कहने का मतलब ये है, सब लोग रात को अध्ययन या काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सोने का पीरियड होता है, रात बनी है आराम करने के लिए, दिन भर काम करता आदमी, क्लियर, तो इसलिए इसका यही व्याख्या हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी दोस्त लोग पढ़ सके, अच्छे नंबर पा सके। तो अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ, सेट के साथ, ठीक है, और अनसाल्व के साथ, एक नए सेट के साथ, और महत्वपूर्ण जो है अनसीन पैसेज के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।